तालिबान को भी यदि दुनिया का समर्थन चाहिए तो ये हिंसा का रास्ता छोड़ करके अब उनको एक सरकार की तरह, एक जिम्मेदार सरकार की तरह, और मैं तो कहूँगा एक जिम्मेदार इंसान की तरह हमारे तालिबानियों को व्यवहार करना चाहिए। सरकार को, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, या हमारे भारतीय मुसलमान हैं, जो भी अपने देश के नागरिक वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको तत्काल वहाँ से निकालने के लिए सरकार कड़े से कड़े कदम अभी भी उठा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा तत्परता के साथ कदम उठाने की जरूरत है। अफगानिस्तान संकट पर बोलकर फंस गए हैं बाबा रामदेव, लोगों ने किया जमकर ट्रोल। दरअसल अफगानिस्तान संकट को लेकर बाबा रामदेव ने एक बयान दिया। गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि अफगानिस्तान में जो भी भारतीय फंसे हैं उन्हें सरकार निकालने के लिए तत्परता से काम कर रही है, इस पर और ध्यान देने की जरूरत। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारत को बेहद संजीदगी के साथ अफगानिस्तान मामले से निपटने की जरूरत है और अपने लोग जो वहां फंसे हैं उनकी मदद करने की जरूरत है। ये सच है कि अब अफगानिस्तान की पूरी सत्ता तालिबान के हाथ में है, पर अगर तालिबान को पूरी दुनिया का साथ चाहिए तो उन्हें भी हिंसा का रास्ता छोड़कर एक जिम्मेदार सरकार और इंसान की तरह सलूक करना चाहिए। बाबा रामदेव के इस बयान पर वो सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए और लोग उन्हें जमकर ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमृत गोयल नाम के एक यूजर ने लिखा, बाबा जी को वहीं पर 6 महीने के लिए भेज दो। तो चंद्रशेखर नाम के एक यूजर लिखते हैं, ये लो अब यही बाकी रह गए थे, किसी भी बात में अपनी टांग के साथ साथ जबान हिलाकर योगा दिखाए बगैर इन्हें भी चैन नहीं आता। तो कमल कुमार नाम के एक यूजर ने बाबा रामदेव को टैग करते हुए पूछा, बाबा वो 40 रुपए वाला पेट्रोल डीजल क्या हुआ? तो ऐसा अरमीना नाम के एक यूजर लिखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि रामदेव जी तालिबान सरकार को समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान के इतिहास तो सभी को पता है। तो जय हिंद नाम के एक यूजर लिखते हैं, उससे पहले हमें हमारे देश की समस्या मिटानी चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी, गरीब, भुखमरी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पे दूसरे देश का सोचना चाहिए। सीताराम लोधी नाम के एक यूजर लिखते हैं, पहले रामदेव बाबा जो आपने 30 रुपए 40 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम के लिए बोला था, पहले वे काम करे फिर दूसरे देश की बात करना। पहले अपने देश को देखो, महंगाई कम करने की बात की थी, बेरोजगारी खत्म करने की बात की थी, आज तो भारत सरकार के दरवाजे पे किसान खड़े हैं, ये तालिबान से कम है क्या? ऐसे कितने ही सोशल मीडिया यूजर हैं जो बाबा रामदेव के इस बयान पर अपनी रिएक्शंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।